अरे कहना क्या चाहते हो? हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। और आज फिर से हम खेल रहे हैं सोलो बेसिस स्क्वाड, और पिछली वीडियो की तरह ये वीडियो भी कुछ खास होने वाली है। हमारे होते हुए इतनी मस्ती सलूट, तेरा तो गेम बचाना। अरे दादा रे गाइस, लेवल वन की वेस्ट और लेवल वन का हेलमेट, अपने पास डैमेज ज्यादा आ रहा है। पहले तो कुछ शॉर्ट रेंज की गन देखनी पड़ेगी ताकि इनसे भिड़ सके, वरना तो लोबी में जाके मेरे को अपना हिलाना पड़ेगा पिछवाड़ा। गलत मत समझना भाई, क्या बात कर रहे हैं। हाँ ना 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 ना, अरे भाई फिर डैमेज। शॉर्ट रेंज की गन कट्टा, स्लो काम चलेगा इससे अच्छा। लेकिन एक बंदा सामने आ जा, एक नॉक, इसको पूरा फिनिश नहीं करने के भाई। आई थिंक इसका दूसरा टीम मेट आएगा इसको रिवाइव करने, एक के बदले एक और किल मिल जाएगा हमको। घूम के पीछे चले आ गया ए, भाई चल तू भी चल। सेकंड नॉक, कोई दूसरा बंदा तो स्टेप आ रहा है, आई थिंक कोई दूसरा बंदा भी है यहाँ, बट इसको पूरा फिनिश कर लेता है। गाइस अर्सलन बैन के पास बंदा, हमारे होते हुए आप लूटोगे अर्सलन बैन भाई, हम बेवकूफ हैं यहाँ पर। चाबी लेंगे, लूट करेंगे, चाबी मिल जाए इसके पास। हाँ मिल गई अर्सलन की M10 हो इसके अंदर। हाँ M10, थैंक्स मेरे एनिमी, थैंक्स। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तुम यहाँ कैसे खड़े हो गए? सोनिया नहीं बचा पाएगी भाई आपको। नॉक फिनिश, इसी बंदे को पीछे से मारने का अलग ही मजा है। गाइस आप सब बताना है कि आप सबके साथ कितनी बार हुआ है कि ऐसे पीछे से कोई एनिमी आया और आपको मार के चला गया, मतलब क्या ही बताया, अलग ही मजा आता है, आनंद ही आनंद है उसमें। भाई डैमेज, भाई हेलमेट उड़ा दिया भाई, कौन है ओ भाई, बड़ी जल्दी में है ये तो। अरे नहीं भाई डैमेज, कैसे कैसे लोग, मेडी तो मारने दे भाई, कम से कम मेडी तो मारने दे। एक और आ गया, निकल भाई हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। गाइस हालत पतली कर दी इसने भाई, एचपी नहीं छोड़ रहा भाई। ऐसी कौन सी गन चला रहा है ये? आई थिंक M4A1 होगी, 3 चिप में और क्या होगा। अंदर की तरफ भाग भाई, भाग 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 भाग, मैं भी हूँ साथ में आ रहा हूँ भाई। यार बच गया, निकल ओए ओए। आना सामने, पीछे से मार भाई तुझे वो, मार पीछे से, जल्दी पैक करके मेडी मारता हूँ। अंदर ना ना, अंदर नहीं आए, अंदर नहीं आए। अब आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई। सब अब गलती कर दी आपने, वो ग्लू वॉल में जाके इतने ग्रेनेड बरसेंगे कि परेशान हो जाओगे। एक दो स्काइलर, ओए ओए, किल चोरी ना हो जाए। हद साले किल चोरी कर लिया, मैं मेहनत कर रहा हूँ किल करने के लिए, तू चोरी कर रहा ऊपर से बैठ के। पहले इस साले को बताना पड़ेगा किल चोरी क्या करना पड़ता। किल चोरी कर रहा, दिखा फेस, हेड ही मारूंगा, ले हेड का तू। साला किल चोरी कर रहा है यार, गुस्सा दिला रहा है फालतू में, मतलब हम मेहनत कर रहे हैं बेवकूफ हम। ओहो स्काइलर से अच्छा तुम हो, अब जाओ निकलो यहाँ से। पुल वाला बंदा, आई थिंक मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी बंदे से होने वाली थी, क्योंकि ये मेरे को जोन से निकलने नहीं देता, पीछे की तरफ तो देख नहीं रहा बंदा। जरूर इसने इंजेक्शन मार लिया, किल नहीं आया अभी तक। पीछे देख ले भाई, पीछे देख ले, क्या गुंडा बनेगा तू। आई थिंक अभी 20 बंदे अलाई पर मेरे सिर्फ 6 किल हुए हैं भाई, 2 किल तो चोरी हो गए थे भाई। चलो उनको छोड़ो, ये कह रहा भाई पीजिए, रुक जा ले। रुका क्यों था, जब मारना था तो मारता, वरना रुका ही क्यों, मरने के लिए। यहाँ से निकलता हूँ आगे की तरफ, आई थिंक बंदे होंगे जरूर। एक बंदा सामने की तरफ,
रुक भाई, मर तो गया भाई। 8 किल, 9 बंदे अलाइव फुल। इसका आई थिंक नेट गया, भाग क्यों रहा? रुक जा मैं मारता हूँ, क्लिक करता हूँ। तो बचाएगा इसको, तो भी मर पक्का। ये इंजेक्शन बाज होगा, इंजेक्शन मार के खड़ा हो जाएगा और कुछ नहीं करेगा। मेरे को पता था इंजेक्शन मार लेगा, इसी वजह से भाई मैं तेरे पास आया था। आई थिंक ऊपर की तरफ है सारे बंदे। हाँ कर लो, तुम तो यही बैठे हो तैयार मारने के लिए, हम बेवकूफ हैं। चलो प्रसाद खाने के लिए तैयार हो जाओ। नीचे जंप कर गया तू, आ पहले जब 3 बड़े आपस में लड़ रहे हों तो चौथे को बीच में नहीं आना चाहिए, समझ गए? उसमें पेटी ही बनती है और कुछ नहीं होता यार। ये नीचे पुल की साइड को ऊपर से डैमेज देने पे है, मैं कंफ्यूज हूँ कि नीचे वाले को पुल वाली साइड वाले बंदे को मारूं या ऊपर वाले को मारूं। मैं कंफ्यूजन में हूँ क्योंकि आगे फाइट करने जाऊं तो पीछे वाला परेशान करेगा। पहले इसको ग्रेनेड डाल के देख लेता हूँ कहीं किल आ जाए। ऐसी कौन सी सुरंग में घुस के बैठा है? पीछे वाले का बहुत डर है मेरे को यार, इसको ग्रेनेड डालते रहना चाहिए। अब भी बच गया साला, लैंडमाइन लगाऊंगा 1 मिनट इसको, पहले इसको आगे वाले को ग्लू तोड़ता हूँ। मुझे पता था पीछे से डैमेज देगा कुत्ते, मुझे पता था। अच्छा मतलब स्मोक ग्रेनेड करके तुम मार लोगे, स्नो डाल के। ग्लू तोड़ो, आप ही तोड़ो ग्लू, तोड़ो आप, तोड़ो तोड़ो तोड़ो। जब नहीं था गोदा तो फिर गाय के लिए कूदा। अच्छा ठीक है भाई साहब, हमें ऊपर चढ़ने दो, आ जाओ। गाइस मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू भाई।